हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं जा रहा हूँ अपने विलेज की तरफ, क्योंकि लॉकडाउन था, संडे को फर्स्ट डे, तो पूरे दिन टाइम नहीं कटा। घर में बैठे बैठे पूरे दिन मोबाइल यूट्यूब चलाते चलाते एक परेशान हो गया था, तो सोचा कहीं चलते हैं बाहर की तरफ। अगर बाहर भी नहीं जा सकते थे तो सोचा घर वालों से परमिशन लिए अपने विलेज की तरफ जा रहा हूँ, जो कि है बरेली। बरेली से पास में वहाँ जाके अपना मस्ती करेंगे, गांव में रहेंगे, फुल मज़े में रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो पूरा टाइम नहीं कट रहा है अपना। इसलिए विलेज में जाएंगे, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके अपने जो 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 मैं मस्ती करूँगा सब मैं दिखाऊँगा शूट करके, काफ़ी अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि विलेज का दिखाऊँगा फर्स्ट टाइम। मैंने आज तक अपने विलेज के आसपास का कुछ भी नहीं दिखाया, सब दिखाने में अच्छा भी लगेगा, तुम भी देखोगे, काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि विलेज तो विलेज ही है, देसी, अपना वहीं रहना, अपना घूमना फिरना सब कुछ दिखाऊंगा अपना फुल। जैसे कि पहले ये दिखाता हूँ, ये बैरियर लगी हुई है ना, जो पूरा लॉकडाउन कर रखा है। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है दिल्ली से बाहर जाने में, आने जाने वाले को। इस थोड़ा दोपहर हो रहा है, मैं तो निकल गया, बस कैसे ना कैसे करके पहुँच जाऊँ ये सोच रहा था। बाकी चलते चलते दिखाता हूँ। अब ये यहाँ से यूपी का बॉर्डर लग गया, देखो पूरा बंद कर रखा है, बस निकल चल रहे हैं बस। तो फ्रेंड्स, ये है अपना यूपी बॉर्डर पार करते ही पूरा ये बस अड्डे के पास। इतना बैकग्राउंड में इतनी पब्लिक परेशान है, सब दिल्ली छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जितने वर्कर थे दिल्ली में लेबर क्लास के, सब परेशान हो गए अपने अपने गांव जाने के लिए कि कैसे जाएं क्या जाएं, क्योंकि एकदम से बस पूरी बंद कर दी है। काफ़ी पब्लिक परेशान हो रही है, ये बस बीच बीच में खड़ी है, बस यही है, बाकी सब पब्लिक बस है, बस है, सब परेशान हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंचूंगा अपने गांव में। बाइक मैंने घर पे अपनी खड़ी कर दी है, जैकेट उतार दी है। लॉकडाउन के चक्कर में कितनी प्रॉब्लम हो रही है सबको, मगर ये भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो एक कोरोना सब में फैलेगा। मोदी जी की पहल के साथ सब चले, और मैं कहता हूँ सब सपोर्ट भी करें, अच्छा रहेगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब घर पर जाके चेंज वेंज करते हैं, गाँव में घूमते हैं, बाकी दिखाते हैं चल के, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। अब हम आ गए हैं ट्यूब वेल पे नहाने, और नहाने का ब्लॉग दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा नहाने में। आज फुल देसी ब्लॉग है ये हमारा, बाइक पीछे खड़ी है मेरी, स्कूटी खड़ी है, काफ़ी जने आए हुए हैं दिल्ली से, क्योंकि कोरोना के चक्कर में दिल्ली सब छोड़ के आ चुके हैं अपने अपने विलेज, और हम आ चुके हैं अपने गाँव बरेली के पास, जो कि मैंने तुम्हें दिखाया था पूरा कोरोना का, कैसे बॉर्डर पर पब्लिक निकल निकल के जा रही है। हर घर से इतने हमें इतने मिले होंगे, एक एक स्कूटी पे चार चार पांच पांच जने तक स्कूटी में मिले हैं, जिसके पास स्कूटी थी स्कूटी, जो पैदल वो पैदल जा रहा है बेचारा, साइकिल पे जा रहा है, हर तरह के से इंसान जा रहा है कि दिल्ली छोड़ के अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में काफ़ी कोरोना का कहर है आज, जैसे कि आज है 24 और कोरोना के मामले अभी तक 526 पहुँच चुके हैं। इसलिए हम अपने गाँव आए हैं, शुद्ध वातावरण है एकदम बढ़िया, कोई ऐसा कोई है नहीं, दिखाते हैं आगे चल के, बहुत बढ़िया है, फुल देसी ब्लॉग बनाएगा ये मेरा, दिखाऊंगा गांव में हम क्या करते हैं क्या क्या है। चलो उससे पहले नहाने से पहले ट्यूबवेल का, उससे पहले गन्ना गन्ना खाते हैं। ये गन्ने हैं, अभी लेके आए हम अपने लिए गुड़, ये रहा गुड़ खाते हैं कैसा है, चेक करते हैं, देसी है फुल, बढ़िया ब्लॉक का, ये प्योर गुड़ है हमारा, कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने भी बहुत टेस्टी है। ये गन्ना खाते हुए, ये गुड़ खा रहे हैं हमारे जीजा हैं, ये आराम से बैठे हुए हैं स्कूटी पे, वेट करते हैं नहाने के लिए, कपड़े लेके आए हैं। गन्ना बहुत बढ़िया सॉफ्ट है,
मजा भी आ रहा है गांव में आके, मगर फुल देसी डाइट नहीं ली तो क्या ली। अब आके दिखाएंगे, थोड़ा नहाने के जाएंगे फिर दिखाते हैं। एक गाड़ी हमारी आ गई। बच्चे तो कूद रहा है अभी, तो पन्नी हटेगी, कपड़ा लगेगा वो पन्नी वाला। अरे यार ओ डैडी, अपनी पैक दिखा। रस चल रहा है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस सब में अच्छा है, गर्मियों में भी और वैसे भी, दिल्ली छोड़ के आए हैं सब में अच्छा है। चल रहे अपना ट्यूबवेल की तरफ नहाने का, आगे आगे चल के दिखाते हैं कैसा है ट्यूबवेल। अभी सेट कर रहे हैं पानी वानी डालने के लिए, दिखाता हूँ अभी बैक साइड कैमरा।